बाहर होगा वो कोई ना 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 डिबेट पे, डिबेट पे बात आई है, डिबेट विचार की बात करिए जी। मैं पहले आज कांग्रेस से पूछ लूं उसके बाद आऊं, कोई चलेगा ना? वैसे तो ये होता कि एक विपक्ष का एक इधर हो जाता, लेकिन आज मैं पहले कांग्रेस के दे दूं और फिर मैं आपके पास आता हूं सिंह साहब जी। कांग्रेस तुलसी जे कीरति चाही, पर की कीरति खोई, तिनके मुंह मसी लागी है, मिटही न मारही धोई। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों को नीचे गिरा के आगे जाना चाहती है। कहीं आप क्या अधिकृत रूप से कह सकते हैं कि हमें भारत से कोई आपत्ति है? क्या आपने किसी भी कांग्रेस के लोगों को सुना है ये कहते हो? अधिकृत रूप से कहा है कि हमें भारत से प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो मुद्दे पे बात करिए, इन घोटालों पे बात करिए, 255 घोटालों पे बात करिए। क्योंकि जिस मध्य प्रदेश से मैं आती हूँ वहाँ है एक शिवराज, एक है महाराज और पूरी बीजेपी नाराज। तो वहाँ पर जो घोटाले हो रहे हैं उन पे बात करिए, मुद्दों पर बात करिए। जी 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 जी, मैं अफकोर्स कांग्रेस का घोटाला याद करिए। कांग्रेस का कौन सा घोटाला? जब हम लोग टीवी खोलते थे, जब टीवी हम लोग खोलते थे तो डेली कोई ना कोई घोटाला निकलता था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ से? आजमगढ़। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम आए घूमने। अच्छा, आपको देखने के लिए आ गए? सुने तो आप आए। इंडिया गेट है जो हम देखने आ गए? आप इंडिया गेट से चाहते हैं आप? अच्छा बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में, अब जो नए लड़के 18-20 साल के होंगे उनको याद नहीं होगा, कांग्रेस के टाइम में हम लोग टीवी खोलते थे तो घबराते थे कि आज किसका घोटाला निकलेगा, और उसमें टीवी घोटाला ही घोटाला निकलता था। आपको याद होगा, आपको याद होगा। और 75 रुपये 80 रुपये पेट्रोल उस टाइम हो गया था, आज भी 100 रुपये पेट्रोल हुआ तो बोलते ज्यादा हो गया। उस टाइम बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर आज नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ना बोलिए, कुछ नहीं होगा। मैं दे दूंगा, देखेंगे, वक्त देखेंगे, अगर होगा तो दे देंगे आपको, परेशान मत होइएगा जी। बीजेपी प्रतीक जी, मैं कह रहा हूँ देश के संविधान को एक धर्म के लिए बदलने वाले, देश के संविधान को एक धर्म के लिए बदलने वाले, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले, आतंकवादियों के लिए रोने वाले, ऐसे कांग्रेस के लोगों को कहेंगे, ऐसे कांग्रेस के लोगों को कहेंगे कि देखिए ये भारत है, आप इंडिया अपनाइए, भारत माता की जय हम बोलते हैं और आगे भी भारत माता की जय बोलेंगे। दूसरी बात, संविधान में लिखा है इंडिया भी और भारत भी, हम भारत कहते हैं, आप इंडिया कहिए, आप अकबर को महान बताइए, हम महाराणा प्रताप को महान बताते हैं, हम देश के इतिहास को बदलने आए हैं, हम भारत को महान बनाने आए हैं जी। इनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है जहाँ इनके गुरु गोपाल कृष्ण है, संविधान की मदद करने वाले, सिमी का समर्थन करने वाले, सिमी का समर्थन करने वाले। नारायण, नारायण, मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे भाई नारायण तिलक लगाएं आप, वैष्णव तिलक लगाएं। आगे आगे आगे, चुपचाप रहो, अभी क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ तो रुको, अभी इंतजार करो जी। सर जी नमस्ते, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी। नमस्ते, क्या नाम साहब आपका? सुशील जी। कहाँ से आना हुआ? नोएडा में। नोएडा में क्या काम करते साहब? गवर्नमेंट सर्वेंट है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट है, नौजवानों को मौका इसलिए नहीं मिलेगा, चुनाव में मौका देंगे तुमको। खड़ा हो चुका, बुजुर्गों को सुनोगे नहीं, नौजवानों पहले सीखो कैसे बोला जाता है जी। हाँ बोलिए, क्या क्या आपको बोलना तो बोलिए। ओ अच्छा अच्छा, नहीं किस संबंध में आप बता रहे? हम इस संबंध में कह रहे हैं कि विवाह योग्य लड़की हो गई, शादी के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। कमाल का बोले, बताइए किस संदर्भ में बातचीत चल रही है? अरे पहले तो संदर्भ समझिए, जुड़िए जी। अरोड़ा जी। प्रतीक जी, हमें भारत नाम से दिक्कत नहीं है, भारत माता की, हमें हिंदुस्तान के नाम से दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदू हमें चक दे इंडिया से दिक्कत नहीं है, चक दे इंडिया ये होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चक दे इंडिया से दिक्कत नहीं है, भारत माता से दिक्कत है। ये नफरत वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हमारे पास मोहब्बत है, इनके पास नफरत है, ये नफरत है। ये मोहब्बत की दुकान वाले, आज जब सनातन को, हिंदुओं को किस किस बीमारी से जब तुलना की जा रही है, आज इनके मुंह से उस मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए कोई प्रेम नहीं निकलता। आपकी एक तरफा मोहब्बत है ऐसी दुकान, वहाँ पर क्या होता है आपका? और आप बात करते हैं भारत नाम बदलने की, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन
तुम्हारा कहाँ गया युवक, बोले तुम्हारा प्यार एक तरफा है। रुको, तुम प्यार कर भी नहीं, जो देश की बात करेगा वही प्यार की बात करेगा। मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपको कुछ कहना होगा जरूर। जी, मेरे को दो बातें कहनी है, एक वन रैंक वन पेंशन पे, एक डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। उससे पहले मैं एक बात का जवाब, पहले दोनों पे दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद बात होगी। ठीक है, वन रैंक वन पेंशन पे कांग्रेस ने 40 साल तक फौजीज को बेवकूफ बनाया, हर मैनिफेस्टो में लिखा वन रैंक वन पेंशन आएगी। सुन लीजिए, बीजेपी मोदी जी ने 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा, 2016 में दे दिया।